वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास एक ड्राई मशीन है, एक कंडेंसेशन ड्रायर सिस्टम, नॉट द वेंटिलेशन सिस्टम। दिस इज इंडिसेट ब्रांड कंडेंसेशन ड्राई। दिस मशीन इज वर्किंग नो प्रॉब्लम, बट कस्टमर कंप्लेन एंड ऑफ द साइकिल इट्स ह्यूज नॉइस। ऐसा नहीं तो ये कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद उसका एंड में ख़त्म होने का पहले एक एबनॉर्मल एक दूसरा एक नॉइस आता है, हवा से आता है। इसीलिए कस्टमर हम लोग को बात करके हम लोग को ये चेक करने के लिए लेके आया। अभी हम ये चेक करने के लिए गया है। अभी हम कोई भी अभी एक सिलेक्ट किया है। अभी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड आई विल ऑन द मशीन। The machine is running still, machine is working properly, no any issue. Machine is working, it's getting heat also. I check everything, the filter, everything is very. एक abnormal noise आता है, हवा सा आता है, इसीलिए हम चेक करने के लिए जाएगा। हम अभी चेक करेगा, चेक करने के बाद हम आप लोगों को दिखाएगा क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वी विल ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। हम अभी चेक करने के लिए एक कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करके थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा एंड का पहले। वो ये प्रोग्राम ख़त्म होने का पहले कौन सा हवा से आता है, हम अभी ऑन करता है देखेगा। को अभी हवा सुना है लास्ट एंड में, तो बहुत हवा करता है, खतरनाक हवा से। अभी कस्टमर कंप्लेन गया, सही है, सच है। अभी इसका ये पंप का कंप्लेन है, पंप से हवा बहुत हवा निकलता है। हम लोग ये पंप का असेंबल हम लोग को निकाल के देखेगा क्या कंप्लेन है। हम लोग ये इधर लॉक है, ये लॉक निकालेंगे तो ऐसी ऐसा पंप का कवर बाहर आएगा। हम अभी ये निकालने के लिए जा रहा है। अभी इधर लॉक है, ये लॉक निकालने का है। इधर भी एक लॉक है, अभी ये लॉक निकाल दिया है। अभी ये प्रेस करके इसे निकाल सकता है। अभी हम लोग को ये कंप्लेन किधर है, अभी पानी का ये फ्लोटिंग स्विच है। अभी ये फ्लोटिंग स्विच तो चल रहा है, माइक्रो स्विच का हवास भी आता है, लेकिन कंप्लेन नहीं है। ये ड्रेन मोटर का है, वो हवास करता है। हम लोग को ये ड्रेन मोटर निकाल के चेक करना पड़ेगा क्या होता है। अभी पानी भी इसमें अंदर है, पानी बराबर ड्रेनिंग नहीं हुआ, बहुत हवास करता है इसका वजह से मेरे को लगता है। अभी हम निकाल के देखिएगा क्या प्रॉब्लम है। कचरा जमा हो गया है, कचरा है थोड़ा, हम लोग को क्लीन करेगा पहले। क्लीन करने के बाद अभी हम लोग को एक छोटा सा इंपिलर है, हम लोग को थोड़ा इंपिलर देखने के लिए हम लोग को ऐसा हाथ से भी निकाल सकता है। इधर लॉक है, ये लॉक निकालेंगे तो ये इंपिलर हम लोग को चेक कर सकता है। के अंदर है राशि का तरफ एक छोटा सा इंपिलर है, उसका बराबर नहीं चलेगा तो पानी ड्रेनिंग भी नहीं हो रहा है, बहुत हवा करेगा।
एक दफा एक साइड तो निकाल गया है, इधर भी निकालने का है। ये आराम से काम करना पड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा। इधर एक ही लॉक के बाद ही पूरा निकल गया है, अभी वो भी निकल गया। अभी ऐसा ड्रेन मोटर का कप निकाल दिया। वो इम्पीलर तो सही है, रबर का इम्पीलर सही है, इम्पीलर टूट नहीं गया, इम्पीलर अच्छा है, लेकिन हवा कैसा करेगा वो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये पंप चेंज करना पड़ेगा। ये फ्लोटिंग स्विच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चल रहा है, वो भी हम लोग को थोड़ा निकाल के चेक करेंगे तो अच्छा है। क्यों कभी कभी फ्लोटिंग स्विच नहीं चलेगा तो भी कम कंटिन्यू ड्रेन मोटर चलता है। अभी ये स्ट्रक हो रहा है मेरे को लगता है, अभी ऐसा स्ट्रक नहीं बन का है, पानी आएगा तो ये भी बराबर नहीं चलेगा तो कंटिन्यू ड्रेन मोटर चल रहा है। अभी ड्रेन पानी का साम क्लीन करना पड़ेगा, बहुत कचरा जमा हो गया। अभी हम अभी ये पंप निकालेगा, इधर से पंप निकाल के चेक करेगा प्रॉब्लम क्या है। पंप का कनेक्शन इधर है, फ्लोटिंग स्विच का कनेक्शन भी है, अभी पंप का कनेक्शन ऐसा है, पंप का कनेक्शन निकालेगा दोनों। वो चेंज हो जाएगा तो भी मुश्किल नहीं है, पंप क्यों इसका अल्टरनेटिव करंट है, डीसी नहीं है, 220 240 करंट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये मोटर निकाल के चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। को अभी ये रिपेयरेबल नहीं है, ये लाजिम चेंज करना पड़ेगा, कि उसमें फिर भी दोबारा कुछ करके भेजेगा तो कस्टमर हम लोगों के साथ लपड़ा करेगा, इसलिए हम लोग को लाजिम चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी है, हम ऑर्डर किया था एक नया ड्रेन पंप, हम अभी ये चेंज करने के लिए जा रहा है। अभी ये पंप है, सेम है, सेम पंप है, अभी हम उसमें फिक्स करके कस्टमर को दे सकता है। अभी हम आपको दिखाएगा, अभी बहुत इसी है, सेम ऐसा हम लोग को बिठाना का है, इस तरफ बिठाना का है, अभी ऐसा डाल के प्रेस करने का है, ऐसा डाल के ऐसा प्रेस करने का, ये लोग बराबर बैठेगा। बाद में हम लोग को एक कनेक्शन देना पड़ेगा तो चेंज हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है। अभी एक इस तरफ आएगा, दूसरा दूसरा साइड में ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, बाद में हम लोग को ये लॉक डालना पड़ेगा लासिम, हानस का लॉक। अभी इधर भी ये हानस का लॉक बराबर बैठने का है सेफ्टी के लिए, बाद में ऐसा एक क्लोज कर सकता है। ये लॉक हो गया है, बाद में ऐसा फिक्स कर सकता है, फिक्स करने का है,
पीस हो गया है। अब ये हमको ए पीस करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा ड्रेनिंग इधर ये होल में डालने का है। दूसरा सॉरी इधर डालने का है रबर होस ड्रेनिंग के लिए। अभी एक्स्ट्रा पानी के लिए ये होस लगाना पड़ेगा इधर। अभी इधर लगा के हम लोग को अभी चेक करेगा क्या मशीन जो चलेगा, लेकिन हवा से नहीं आने का है। मशीन ऑलरेडी चल रहा है, अभी पावर डाल के। अभी हम ड्रेन मोटर तो ड्रेन पंप ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। अभी हम अभी ये हम एग्जांपल में अभी कोई भी ए सेल्सियस टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस में रखा। अभी उसमें है ऑलरेडी 1 केजी 30 टू 55 केजी, 2 केजी 50 टू 80 2 केजी 80 120 3 केजी का है ऐसा। अभी केजी उसमें देखा हुआ। अभी हम अभी सिलेक्ट करेगा इसका 70 हम सिलेक्ट किया है। अभी हम आप लोगों को एक बताएगा, अभी कोई भी ये टाइमर सिस्टम एंटी क्लॉक में नहीं घुमाने का है, और घुमाएगा तो ये टाइमर टूट जाएगा, इसलिए ऑलवेज ये क्लॉक वाइज घुमाने का है। घुमा के कोई भी सिलेक्ट करके बाद में स्टार्ट करने का है। मशीन स्टार्ट हो गया है। अभी अपना काम तो ख़त्म हो गया है। कोई आवाज़ नहीं सुनता है, एबनॉर्मल आवाज़ कुछ नहीं सुनता है। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।